हेलो फ्रेंड्स, गुड मुदिकेयर मॉर्निंग। आज लीव प्लेटफॉर्म के कमांडो सेशन के स्पोर्ट्स डे में, कमांडो ट्रेनिंग के स्पोर्ट्स सेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कमांडो ट्रेनिंग जैसा कि नाम से जाहिर है क्या होती है हम सभी जानते हैं, लेकिन उस कमांडो ट्रेनिंग का थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम हेम गुप्ता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मेरठ से। दोस्तों, मोदी केयर में आने से पहले मैं एक सिंपल होम मेकर थी, साथ में छोटी सी गिफ्ट आइटम की शॉप भी रन करती थी। वहीं पर मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको प्रेस किया। मुझे बहुत पसंद आया उसका लॉयल्टी प्रोग्राम और बस वहीं से शुरुआत हो गई एक नई जर्नी की। शुरू में तो मैंने बस यूज किया, काफी समय तक मैं यूजर बनी रही लॉकडाउन तक। लॉकडाउन में जब लोगों को ट्रेनिंग करती, लोग अपने यूट्यूब के आदरणीय हमारी सुरेखा मैम है उनका मैंने जब देखा चैनल, यूट्यूब चैनल, उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग थी, तब मैंने वहां से सीखना शुरू करा। और मैंने भी अलग अलग तरह से लोगों को बुलाना शुरू किया, क्योंकि बिजनेस है या तो आप जाएं या आप लोगों को बुलाएं। इस तरह से मेरा काम चल पड़ा। मैंने फेशियल कैंप, हेल्थ कैंप, इस तरह से करके अपना बिजनेस बिल्ड करने की शुरुआत की, क्योंकि मैं दुकान से बाहर नहीं जा सकती थी। और बस उसके बाद हमारे गुरुजन, हमारे नवीन सर और दीपक सर का जो सहयोग हमें मिला, उससे हमारी जो सक्सेस, जो हमारी जर्नी है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहूंगी अपने दीपक सर का और नवीन सर का, जो हमेशा कोशिश करते हैं हम लोगों की तरक्की के लिए, कुछ 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 ऐसा करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। अचीवमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो इतने समय में मुझे अचीवमेंट के तौर पर सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यह है कि आज मैं यहाँ हूँ। मेरे गुरुजनों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सेकेंड अचीवमेंट, मुझे जो टीम मिली है ना, बहुत अच्छी टीम। मुझे जितना वो लोग सम्मान देते हैं, जितना वो सम्मान देते हैं, उससे ज्यादा वो मुझे प्यार देते हैं। मेरी किसी बात को कोई डिनाई नहीं करता। मैं बॉस नहीं उनकी, लेकिन वो मेरी हर बात मानते हैं। और एसेट्स के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं अभी 19 अक्टूबर को यहाँ से ब्रेजा एलेक्साई गाड़ी लेने जा रही हूँ दिल्ली से। मेरी गाड़ी की एक बहुत अच्छी स्टोरी बन चुकी है, कभी मौका मिला तो उसे मैं शेयर जरूर करूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अफर्मेशन का जीता जागता एग्जाम्पल है मेरी गाड़ी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। अब ये मेरा छोटा सा परिचय था। यात्रा भी जारी है और चलती रहेगी। सफलता की यात्रा हमेशा जारी रहती है और रहनी भी चाहिए। कमांडो की बात कर रहे थे। हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो एक बहुत सारी हार्ड कोर ट्रेनिंग के बाद वहां जाते हैं, सोल्जर बनते हैं। लेकिन उसके बाद एक अपर लेवल के हमारे जो सैनिक होते हैं वो कमांडो कहलाते हैं। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ कमांडो क्या है, हमारे मोदी केयर कमांडो भी उसके लिए, जो कमांडो बनाने के लिए, वो कमांडो बनाने के लिए हमारी आदरणीय सुरेखा मैम ने हम लोगों के लिए जो कमांडो ट्रेनिंग चलाई है, वो उसी लेवल के कमांडो बनाने के लिए चलाई। तो आज की इस ट्रेनिंग में क्या आप लेकर आ रहे हैं हमारे प्रेजेंटर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि आजकल हम बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू है हमारा हेल्थ इशू। हमारी हेल्थ पर बहुत सारी चीजें जो असर डालती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर डाल रहा है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, यानी कि EMR, यानी कि जिसे हम आम भाषा में कहते हैं रेडिएशन। ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक्सपर्ट अगर किसी चीज के बारे में बताएं तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो हम सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी उत्तराखंड के ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, हमारे गुरु मिस्टर नवीन खरपाल सर। सर को सर, आपका लीव के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, एंड ओवर टू। थैंक यू हेम गुप्ता मैम, थैंक यू वेरी मच इस वार्म वेलकम के लिए। और क्या शानदार स्टार्ट आपने लिया है। तो प्रोग्राम तो जो स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट में जो आप मुस्कुराते हुए जो आपने स्टार्ट लिया है, और क्यों ना आपकी टीम आपको प्यार करे, आप अपनी टीम के साथ इतने लगन के साथ काम करते हैं, और आपकी कार भी जल्दी आने वाली है, और जिस विश्वास के साथ आज आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने ही नहीं बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करेंगे। ऑल दी बेस्ट। तो दोस्तों, नाम नवीन खरपाल और आज कमांडो ट्रेनिंग फोर्थ डे। जैसे हेम गुप्ता मैम ने बताया, कमांडो ट्रेनिंग, कमांडोज का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में वही काले सर में काले पट्टे वाले लोग, और जो है प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूमते हुए या VIP के आगे पीछे घूमते हुए दिखते हैं। अगर यहाँ हम कमांडो की बात करेंगे तो मोदी केयर के कमांडो कौन होते हैं, जो एक स्किल डेवलप कर लेते हैं, किस चीज के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब हम किसी भी काम को करते हैं उसमें स्किल्ड हो जाते हैं, हम उस चीज के कमांडो हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ कमांडो ट्रेनिंग का पर्पज रहेगा, जो सब्जेक्ट, जो टाइटल कमांडो ट्रेनिंग यहाँ पर कह रहे हैं, हम एक्सपर्ट बनाते हैं एक आदमी को, वो इस फील्ड के अंदर आए और यहाँ से एक्सपर्ट हो जाए। वो अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। तो आज का जो फील्ड है, वो आज की जो दिक्कत है, वो है रेडिएशन। हर घर में आज जो है मोबाइल यूज होता है, बहुत सारे गैजेट्स यूज होते हैं, उससे जो रेडिएशन आ रहा है, उससे बहुत सारी दिक्कतें हमारे बीच में आ रही हैं।
क्या वो दिक्कतें हैं, क्या उसका समाधान हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया, टाटा हाउस के अंदर मैंने जॉब किया 19 साल। नौकरी के दौरान एक बेसिक जो नीड होती है वो पूरी होती है, ड्रीम कभी पूरे नहीं होते हैं। तो मेरी भी रूटीन लाइफ चल रही थी, सुबह जाओ शाम को आओ, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी, ज़रूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन सपने बहुत दूर थे। और मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि कार आज किसी का सपना नहीं है। कोई व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं ना, करें प्लीज। जिन्होंने भी व्हाइट बोर्ड शेयर करा है प्लीज बंद कर दें। चलिए आगे की हम गुजारिश करेंगे कि छेड़छाड़ ना करें। चलिए, तो मैं चर्चा कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था कि मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया, और काम करने के दौरान एक रूटीन लाइफ का चल रहा था, जरूरत पूरी हो रही थी, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो जी, कार लेना आज की डेट में सपना नहीं है, वो जरूरत है, वहाँ वो भी पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक नई इंडस्ट्री के बारे में सुना, और वो था डायरेक्ट सेल्स, जहाँ पर मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो मुझे लगा इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। तो मैं भी उस इंडस्ट्री के बारे में जानने का इच्छुक हुआ, मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहां पर कोई भी आदमी 18 साल की उम्र उसकी हो गई है, वो आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। सपने मेरे भी थे, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन का मौका नहीं मिला, तो एक एवरेज मेरी जॉब चल रही थी, जहां पर बड़ी इनकम नहीं थी। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम बंदे की होती, तब भी कम से कम बेसिक सारी नीड पूरी कर लेता है आदमी, वो नहीं देख रहा था 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी में जरूरतें ही पूरी होती हैं, सपने बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग एक नई इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर वहां पर सपने पूरे कर रहे, तो मैंने भी मन बनाया क्यों ना इस इंडस्ट्री को समझा जाए। मैंने उसको स्टडी किया, देखा आने वाले टाइम की बड़ी इंडस्ट्री थी, पर मैंने उसमें अपना कदम रखा। 6 महीने मैंने पार्ट टाइम किया, उसके बाद 6 महीने बाद ही मैंने अपना जॉब रिजाइन किया, एज ए करियर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ से वो सफर शुरू हुआ, क्योंकि किसी काम को करते हुए अगर आपके जैसे लोग सफल हो रहे हैं, तो उस काम को सीख के आप भी सफल हो सकते हैं। तो सफलता की शुरुआत वहां से हुई, और बहुत सारे सपने पूरे हुए। विदेश यात्रा का सपना बहुत था मेरा, पासपोर्ट बनाया, एक्सपायरी हो गया, यहाँ मौका मिला। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 8 विदेश यात्राएं हुई, और सबसे अच्छी बात ये भी अकेले नहीं हुई, 130 से अधिक लोग साथ के लोग थे जो इस यात्रा में हमारे साथ थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। गाड़ी का सपना था, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 कार यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे मिली, जबकि जॉब में मैं बाइक से ही चलता था। इतना बड़ा फर्क यहाँ पर आया, किराए में जिंदगी चलती थी, 2 घर बन गए। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, कभी ऐसे मैं बैकग्राउंड लगाया करता था, आज अपने घर के अंदर बैठा हूँ। ये कुछ अचीवमेंट है, और सबसे अच्छी अचीवमेंट ये है कि क्योंकि टीम वर्क है, टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आज टीम के अंदर भी बहुत सारे 130 से अधिक लोग फॉरन ट्रिप गए, लगभग 35 लोगों की गाड़ियाँ आ गई हैं, घर बनने शुरू हो चुके हैं, अब वही चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। तो मैं इस अचीवमेंट के लिए थैंक्स करता हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिनके सानिध्य में इस बिजनेस को हम लोग सीख रहे हैं, और मैं अपनी पूरी टीम का, जिनके सहयोग से, जिनके साथ हम आगे बढ़ के इसमें हम आगे चल रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा सुरेखा मैम के इस लीप प्लेटफॉर्म का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पर कि हम 6:30 बजे यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं आगे बढ़ने के लिए। हर वो आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है, एक ही चीज़ होती है कि मेरे जैसे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन मैं कैसे करूँगा, हमारे दिमाग में बात आती है कि मैं भी करना चाहता हूँ, मैं करूँगा कैसे, उसका समाधान यहाँ पर मिलता है कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो आपको हैंड होल्डिंग के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ, लीडर्स का सिस्टम तो है ही है, उसके ऊपर से सुरेखा मैम ने भी एक शानदार सिस्टम बना रखा, जिस सिस्टम के तहत हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, वो है लीप प्लेटफॉर्म। मैं कह सकता हूँ कि लीप प्लेटफॉर्म ने आज हजारों लाखों लोगों को एक रास्ता दिया है, जिसका कोई अप्लाई नहीं है, वो सिस्टम आने के बाद लीप प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को डेवलप करके चले जा रहा है। तो एक शानदार सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, उसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, और जिन्होंने अपना जो एक गोल बनाया हुआ है कि जो इनकम मुझे मिली है, अगर मैं 1 करोड़ से ऊपर की इनकम लेती हूँ, तो मैं 1 करोड़ लाने वालों को, यानी कि 1 करोड़ कमाने वालों की फौज खड़ी करना चाहती हूँ। तो वो एक ड्रीम है उनका। इसमें सबसे अच्छी बात यही होती है डायरेक्ट सेलिंग में, जब हम लोग आते हैं, हम मोदी केयर की बात करते हैं, आज मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है।
ठीक है 26 साल पूरे हो चुके हैं और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने इसको एज ए लीगलाइज कर दिया, कानून बना दिया। आज इसके ऊपर डिप्लोमा डिग्री स्टार्ट हो चुका है, पूरा एक करियर बन चुका है। और इस नेटो मार्केटिंग करियर में मोदी केयर सबसे बड़ी कंपनी है। उसके ऊपर से भी अगर हम बात करें सुरेखा भार्गव मैम का, उन्होंने एक ऐसा रोड मैप बना रखा, इस रोड मैप पे चलते हुए कोई भी आदमी सफल हो सकता है। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, आप सभी उस रास्ते पे हैं। आज अगर मैं बात करूं, एक कमांडो की अगर बात हो रही है, क्योंकि हम भी जब बिजनेस के अंदर आते हम नए नए थे, हमें भी जरूरत थी, तो हमें भी कमांडो बनना था। फर्क यह है, कमांडो बनने के लिए हमको हल्द्वानी से दिल्ली 300 किलोमीटर जाना पड़ता था। तब ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था, तो हम 300 किलोमीटर यहाँ से जाते थे, वहां जाने के बाद हम सीख के आते थे, फिर हम वो डुप्लीकेट करते थे। आज टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है कि हम घर बैठे जूम मीटिंग के थ्रू हम कमांडो बन रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। जब टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, वो है बहुत बड़ा है, वो है रेडिएशन की दिक्कत। रेडिएशन से क्या दिक्कत आती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, उसका आज ये टॉपिक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। और समझते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को, देखते हैं और टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है, हेल्प योरसेल्फ। यानी कि अपनी मदद हम खुद करेंगे। किस चीज से, जो मैंने सब्जेक्ट आपके सामने रखा, रेडिएशन से। कैसे, आगे समझते हैं। आज हम देखेंगे अपनी इम्यूनिटी में सुधार और तनाव कम करके आर्थिक आजादी हासिल करना। यानी हम हेल्थ को भी अच्छा करेंगे और आर्थिक आजादी भी हासिल करेंगे। आज हम बात करेंगे एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब के साथ व्यापार के क्या अवसर हैं। रेडिएशन एक अदृश्य दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है। खुद को और बच्चों को और पूरे परिवार को इस अदृश्य दुश्मन से बचाना, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसपे हम लोग बात करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें इस चीज को, आज पूरा परिवार हमारा जहां पर हम लोग हैं वो रेडिएशन की चपेट में है। बच्चे हों, बड़े हों, सब, क्योंकि टेक्नोलॉजी से कोई पीछे नहीं रह सकता है। अगर अपने घर की पोजीशन में देखते हैं, आज हमारे घर की स्थिति क्या है, आज रेडिएशन एक एक नया चैलेंज बन चुका है। घर का एक एक कोना रेडिएशन की चपेट में है। इस पिक्चर में आपके सामने रख रहा है, अगर हम जाते हैं स्टडी रूम है मान लेते हैं, तो वहाँ लैपटॉप लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां से रेडिएशन जनरेट हो रहा है जी, इलेक्ट्रो स्मोक उसको कह सकते हैं, ठीक है। वाईफाई राउटर लगा हुआ है, बच्चों का कमरा है तो बच्चों के बहुत सारे वहां पर बेबी मॉनिटर्स होते हैं, बहुत सारे खिलौने वहां पर होते हैं, तो वहां पर मोबाइल फोन है। घर के बाहर हाई टेंशन लाइट जा रही है, तो किसी के घर के आगे जो है मोबाइल टावर लगे हुए हैं, तो घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, माइक्रोवेव चल रहा है, ये सब चल रहे हैं। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये सब चिंता का विषय है, क्योंकि इन सब से जो पैदा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्मोक। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो हमारा घर है उसको बोलते हैं, हमारा घर ही हमारा इम्यून सिस्टम का, उसका एक जो इम्यूनिटी कहते हैं हम लोग, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, वो यहीं से बूस्ट होती है। आपकी इम्यूनिटी घर के अंदर ही है, क्योंकि घर के अंदर 8-10 घंटे अगर आप रहते हैं, 12 घंटे रहते हैं, 15 घंटे रहते हैं, 24 घंटे घर के अंदर भी रहते हैं, जो घर का माहौल अगर आपका रेडिएशन फ्री होगा तो रेडिएशन से आप बचेंगे। लेकिन घर के माहौल में अगर आप रेडिएशन है, घर के आगे आपके टावर लगा हुआ है, जहां भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, बच्चों का कमरा हो, कोई भी एक्टिविटी करके देख ली, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चल रहा है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। मोबाइल टावर, मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, बूस्टर, हाई टेंशन लाइट, ये इसमें एक इलेक्ट्रो स्मोक पैदा करते हैं, जो इसको रेडिएशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रो स्मोक भी कह सकते हैं, जो दिखता तो नहीं है लेकिन होता बहुत खतरनाक है। आज अगर हम लोग ऑफिस में जाते हैं कहीं पर भी, वहां की स्थिति क्या है, अब ऑफिस के अंदर गए, सर्वर रूम वहां पर बना हुआ है, जहां पर ऑफिस में बैठते हैं, हर ऑफिस में आज बिना कंप्यूटर के कुछ होता नहीं है, तो वहां पर भी हम लोग नहीं बच सकते हैं। घर के अंदर भी दिक्कत है, ऑफिस में भी दिक्कत है। अगर ये विकिरण दिखाई देता, तो रेडिएशन अगर दिखाई देता तो उसका जाल ऐसा होता, क्योंकि शहर के अंदर जगह जगह क्या टावर लगे हुए हैं सब जगह, तो अगर वो दिखता तो ऐसा दिखता नहीं है वो, लेकिन दिखता तो इस प्रकार से पूरा शहर को आज जो है रेडिएशन ने घेरा हुआ है। इसकी दिक्कत क्या हो रही है, अखबार में आए दिन हम देखते हैं, अखबार की कटिंग की बात करें, आदिनाथ मार्ग पर ज्यादा रेडिएशन से 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत, ये अखबार की कटिंग है जो बता रही है। कैंसर की घंटी बजा रहा मोबाइल, रेडिएशन से 6 लोगों को कैंसर का दावा, मोबाइल रेडिएशन से
बांझपन का खतरा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये अखबार की डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। ब्रेन ट्यूमर का खतरा हम लोग अखबार में देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं देखने के बाद। क्यों इग्नोर करते हैं? टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ नहीं सकते हैं तो समाधान हमारे पास कुछ नहीं, इग्नोर करते चले जाते हैं। यही नहीं, आए दिन टीवी के अंदर भी हम लोग न्यूज में सब चीजें देख रहे हैं, वहां भी हमें बताया जा रहा है। जो बात हमें काफी पहले से डराती आ रही है आखिरकार वो बात सच निकली। अब सरकार ने भी मान लिया है कि मोबाइल फोन और उसके टावर से निकलने वाली तरंगे हमारे लिए बेहद खतरनाक है। तो ये ऑलरेडी क्या है, अखबार में चीजें आ चुकी हैं, सब जगह इसके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि दिमाग का 90% हिस्सा लिक्विड होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है और यही कैंसर की वजह बनती है। रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक वाईफाई के संपर्क में ज्यादा वक्त तक रहने से न सिर्फ कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है बल्कि इंसान के डीएनए में भी बदलाव आ सकता है। अब ये वास्तव में अगर इसको देखें, अगर न्यूज में ये चीजें आ रही तो चिंता का विषय तो है ही हमारे लिए। इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं ये एकदम से नहीं करता है। ये शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? याददाश्त कम होना। कई बार क्या होगा, आप यहां से फ्रिज खोला, आपने फ्रिज के पास गए, खोला फ्रिज, आपको पता ही नहीं मैंने क्यों खोला, बंद कर दिया आपने। एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, क्यों गए पता ही नहीं आपको। कई बार क्या होता है, मतलब जो चीजें अपना ही अपने जेब में सामान रखा है वो आप ढूंढने चले जाओगे। ये जो भूलने की आदत हो जाती है, याददाश्त कम होना, चिड़चिड़ापन, अगर आप देखें तो आज के टाइम में अगर हम बच्चों के अंदर देखें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो कई बार बच्चे मम्मी पापा से कहते हैं कि मम्मी आप बहुत आजकल चिड़चिड़ी हो गई हो, कि माँ बच्चों से कह रही है आप चिड़चिड़ेपन हो गए हो। ये बहुत बड़ा कारण इसका ये भी है, रेडिएशन ही है। बार बार सर दर्द होना, बच्चे भी बार बार कहते हैं मम्मी सर में दर्द है, बहुत बड़ा कारण ये भी है। नींद ना आना, बार बार नींद खुल जाना, एक साथ नींद ना आना लगातार, भी 6 घंटे कम से कम लगातार नींद आनी चाहिए, नहीं आ रही, ये भी इसका एक कारण बन सकता है। ये शुरुआती लक्षण है। अगर इन लक्षणों के साथ साथ हमने अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन ट्यूमर का खतरा है, जन्म दोष है। जन्म दोष का मतलब बच्चे प्रेगनेंसी जो है वो 7 महीने में जल्दी प्रेगनेंसी होना, या फिर बच्चे में जन्म दोष होना प्रेगनेंसी में मोबाइल रेडिएशन के नजदीक में रहने से, शुक्राणु की कमी है, बच्चे पैदा होने में दिक्कत आएगी। ये सब डाटास कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये दिक्कत है। तो चिंता का विषय हमारे लिए है ही है, और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है इसका इफेक्ट बच्चों में ज्यादा है। अगर हमारे घर के अंदर बच्चे हैं तो हमने बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ये 3 फोटो आपके सामने दिख रही हैं, एक 5 साल तक के बच्चे के लिए, एक 10 साल और एक एडल्ट की। एडल्ट को भी फर्क पड़ रहा है पूरा पूरा, 25% एडल्ट को है तो 75% बच्चों को है। घर में बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, भैया वो सारा रेडिएशन के दायरे पे है। ये साबित करने में 150 साल लगे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 150 साल तक लोग सिगरेट तंबाकू सब पी रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। 150 साल बाद लिखा गया, जब इसके बहुत सारे केस आ गए, बहुत सारे कैंसर होने लगा, तब इसके बारे में लिखा गया कि भैया ये खतरे की घंटी है। आज रेडिएशन से भी वही स्थिति आ चुकी है, कैंसर हो रहा, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। अभी हमें अभी से जागने की जरूरत है, हम इंतजार न करें कि और ज्यादा नुकसान हो, लेकिन अभी से अवेयर होने की जरूरत है। लैक्टोस्मोक की बात करें, जो वाईफाई यूज करते हैं, जो रेडिएशन हम यूज करते हैं, बच्चों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है उनका, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, बार बार हेडेक की बातें करेंगे। इसके अलावा मेमोरी लॉस होता है, पढ़ते हैं अब क्या, बच्चे कहेंगे ठीक है मेरा पूरा एग्जाम हुआ, एग्जाम में देने के क्या है, अब वहां पर मुझे याद नहीं आया, घर में सब याद है तो क्या है, वो भटकाव हो जा रहा है उसमें। बार बार बच्चे को एनर्जी कम होना, थकान होना, और सबसे जो बड़ा है ADHD बोलते हैं इसको, ADHD एक ऐसा दिक्कत होती है बच्चों के साथ कि बच्चे हाइपर हो जाते हैं, सामान फेंक देना, सर पटक देना, ये कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इसका कारण भी निकल के आ रहा कि रेडिएशन से भी ये हो रहा है। जब इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही तो हमें इसके समाधान के बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक बच्चे को हम लोग सिगरेट नहीं देते हैं लेकिन मोबाइल देते हैं, सिगरेट देके हमें लग रहा फिजिकली कि उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में देने से हम ये एहसास नहीं कर पा रहे कि इसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, बस फर्क इतना ही है। अब क्या रेडिएशन वास्तव में मायने रखता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई ये कुछ होता भी या नहीं होता है, भी हम लोग किस चीज को मानते हैं, WHO को मानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना कि मोबाइल रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है।
उन्होंने भी स्टडी किया कि ये भी कैंसर का कारण ये भी है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। यही देखते हुए बहुत सारे देशों में क्या हुआ है, स्कूलों के आसपास, ओल्ड एज होम के पास पास, यहाँ पर जो है टावर लगने बंद हो गए हैं। रशियन कम्युनिटी ने भी इसको स्कूल के आसपास बंद कर दिया, वाईफाई टावर कहीं नहीं लगेंगे, वाईफाई का यूज बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी भैया वाईफाई स्कूलों के आसपास नहीं लगेगा। तो विदेशों में के अलावा इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर भी भैया राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा भैया स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास कहीं पर भी टावर नहीं लगने चाहिए। मुंबई में भी 100 मीटर अगर ओल्ड एज होम है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, उसके 100 मीटर के दायरे में कहीं टावर नहीं लगेंगे। इंडिया के अंदर भी अवेयरनेस आने लगी है। जब ये अवेयरनेस आ रही है, इसका मतलब क्या है, मामला सीरियस तो है। मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन को जब हम परचेज करते हैं, उसके डब्बे में लिखा रहता है कि जब आप बात करते हैं तो 1 घंटे में 6 मिनट से अधिक बात ना करें, बात करते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें, डिवाइस को अपने शरीर से 5 से 15 मिमी दूर रखें, बात से ज्यादा मैसेज करें। क्यों, क्या जरूरत है लिखने को, इसका मतलब दिक्कत तो है। ये सब आपके सामने पिक्चर है, आईफोन है, आईपैड है, सब में लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न में है। इसका मतलब हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब समाधान क्या होगा, सबसे बड़ी बात है समाधान क्या है, कि इस चीज को हम रोक तो सकते नहीं, टेक्नोलॉजी का जो हम नहीं रोक सकते हैं। समाधान है इसका, वो है एनवायरो ग्लोब, पहला समाधान जो रेडिएशन से होने वाले नुकसान से आपको बचाएगा, और एनवायरो चिप, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको इस चीज से आपको बचाने में आपकी मदद करेंगे। एनवायरो चिप की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर यूज होगा, आपके मोबाइल में यूज होगा, आपके आईपैड में होगा, आपके लैपटॉप में हो सकता है, आपके राउटर के लिए बन सके यूज हो जाएगा। ये सब चीजों के लिए हमारे पास एनवायरो चिप है। चिप लगाएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी काम करेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। एनवायरो ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब आपने अगर रख दिया तो 300 स्क्वायर फीट कवर करेगा, यानी कोई भी अगर टावर से सिग्नल आ रहा हो, उस रेडिएशन आ रहा हो, या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गई हो, कोई भी ऐसा राउटर है वहां से बाहर से जो भी सिग्नल, उसके लिए एनवायरो ग्लोब काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, लोग पीपी किट पहन के, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के बाहर निकले, या जो कोरोना पेशेंट थे उनके पास जाते थे, या हॉस्पिटल में आपने देखा ये क्या करते थे, कोरोना तो था वहां पर वायरस, लेकिन ये प्रोटेक्शन लेते थे। ऐसे ही आज हमारे पास, हम इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप यूज करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उसी चीज से जो रेडिएशन हमारे आसपास घूम रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप को उससे बचा सकते हैं, ये इसका हमारा पर्पज रहेगा। अब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये समझने का विषय है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, मैन मेड डिवाइस जितनी भी होती हैं, यानी जितनी भी डिवाइस आदमी से बनी हुई हैं, वो क्या करती हैं, कांस्टेंट वेव जनरेट करती हैं। मैन अगर हम बात करते हैं, आदमी जो काम करता है, हमारा शरीर जो काम करता है, वो रैंडम वेव क्या करता है, ईसीजी आपने देखा होगा, उसमें सब ऐसे ही आता है जैसे आपको यहाँ ब्लू लाइन दिख रही है। कोई भी चीज अब कांस्टेंट वेव का मतलब हो गया, लगातार अगर पत्थर है, पत्थर के ऊपर लगातार पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, एक महीने में कुछ नहीं दिखेगा, पता नहीं 1 साल 2 साल के अंदर आपको वहां पर निशान दिखते दिखते एक टाइम आता है गड्ढा हो जाता है। ऐसी कांस्टेंट वेव जब हमारे पास लगातार लगातार चल रही है, काम कर रही होती है, तो इसके बहुत सारे नुकसान है। तो इन्वायरो ग्लोब क्या करेगा, इन्वायरो चिप क्या करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी रैंडम वेव में। हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, वाईफाई राउटर, मोबाइल ट्रांसमिशन टावर, घरों में स्मार्ट टीवीज, इनसे जो रेडिएशन निकलती है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोबाइल रेडिएशन को कैंसरस बोला है। रेडिएशन से बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, बर्थ डिफेक्ट्स, इनफर्टिलिटी, बच्चों में एग्रेशन, मेमोरी लॉस, ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई है जो कि रेडिएशन से हो रही है। अब समाधान देखते हैं। मैं हूं, मैं बिजनेस करता हूं और एक इंजीनियर भी हूं। हम लोगों ने कई तरह के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोस्मॉग के जो समस्या है उसके लिए हमने बनाई है, इन्वायरो चिप है, इन्वायरो ग्लोब है, लेकिन हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आप कितना रेडिएशन को कम करते हैं। भाई साहब, रेडिएशन कम नहीं किया जा सकता है, अगर कम करेंगे तो आपके यंत्र चलेंगे नहीं, आप जो सिग्नल चाहते हैं वो कम हो जाएगा।
इसलिए हम लोग कम बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो आप वेव देख रहे हैं जो यहाँ पर है, ये ध्यान से देखिएगा इसको, अव्यवस्थित है, इसको रैंडम कहते हैं। ये अपने शरीर की जो भाषा है वो इन्हीं तरंगों से प्रचलित होती है। जैसे आप ईजी देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, इस तरह का ही कुछ नजर आएगा। जो मैनमेड डिवाइसेस होते हैं, जो वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे व्यवस्थित वेव फॉर्म में ही आप उसको प्रचलित कर सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें द्वंद होता है और शरीर काम नहीं कर पाता है ठीक से। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ये करती है कि जो ये व्यवस्थित वेव फॉर्म है उसके इंटेंसिटी को बगैर कम किए हम उसको अव्यवस्थित बना देते हैं, जो शरीर के अनुकूल हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस नहीं होता है। और इस तरीके से आप अपने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी है, जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे ये काम करता है टेक्नोलॉजी वाइज, आपके सामने ये उन्होंने रखा था, पुजार जी हैं जिन्होंने इसको बनाया था, तो टेक्निकली कैसे काम करता है आपको इस समझ में आ गई होगी। अभी इसके और भी आपको प्रूफ देंगे, जैसे इन्वायरो ग्लोब है, अगर आप यूज करते हैं उसको तो मोबाइल टावर से आने वाले जितने भी आपके यहाँ से रेडिएशन है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी आपके हो, सिग्नल का बूस्टर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर उस रूम पे है जहां पर ये रखा हुआ है तो ये सारे जितना भी इलेक्ट्रो स्मोक है सबको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। कंपनी का कोई सर्वर हो, वाईफाई का सिग्नल हो, कहाँ लगा सकते हैं इसको, बेडरूम में हम रख सकते हैं इसको, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, ऑफिस का स्पेस है आपको, कार के अंदर भी बहुत सारा रेडिएशन होता है, कार के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है, होटल रूम्स के अंदर हम, आप यहाँ पर बहुत सारे होटलों ने इसको जो इलेक्ट्रो स्मोक फ्री किया है मामला, देखते हैं आगे समझते हैं क्या है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, इसको चार्ज करने का जो तरीका है, धूप में इसको आप रखते हैं तो ये चार्ज हो जाता है 15 मिनट के अंदर, सनलाइट के अंदर रख सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रख सकते हैं जो लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर लाइट चलनी चाहिए। अगर लगातार लाइट के नीचे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धूप भी लगातार पड़ते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 दिन में एक बार 15 मिनट के लिए चार्ज करना जरूरी है। तो लगातार भी रहेगा तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो ये इसने आपने चार्ज किया, चार्ज होने के बाद आप इसको रख सकते हैं, और इन्वर्टर चिप को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार आपने फिक्स कर दिया तो वो हमारा फिक्स है। अब इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हुई है, मेदांता हॉस्पिटल उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, इसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरी हैं जहां से इसकी टेस्टिंग हुई है, मैक्स ने उसको सर्टिफाई किया, एम्स ने उसको, सबसे बड़ी बात है एम्स कोई भी अगर सर्टिफिकेशन किसी को देता है पूरी रिसर्च के बाद उसकी ऑथेंटिटी पर कोई डाउट कर ही नहीं सकता। एम्स में डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी हैं जो HOD हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में, उन्होंने इसको स्टडी किया और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश किया है, तो पूरी रिसर्च रिपोर्ट वहां पर पब्लिश है, हमारे पास भी है, किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं उसको, कि कैसे स्टडी किया और कैसे उसके रिजल्ट उनके पास आए। इवन उन्होंने वीडियो जारी किया इसके बारे में, जनरली नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन यह जनहित का सवाल था, लोगों के फ्यूचर का सवाल था, लोगों की हेल्थ का सवाल था, तो उन्होंने डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ओपन आके उन्होंने उसको पब्लिश भी किया, उसको सुनते हैं उनको। आई एम प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी, हेड यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। वी फाउंड एट एम्स इन अ रिसर्च दैट मोबाइल यूज इन अ कंट्रोल सेटिंग when compared to a person who's not using a mobile, produce changes in the alpha and delta frequencies. We also found in a randomized study, which is published, to show that those who use the mobile with and without the Enviro chip, which is a small device which can be fixed on the back of the phone, there was a reduction in the EMR, and hence it would do to say that intervening, particularly in people who are constantly dependent on the mobile,
by using measures like the EnviroChip can go a long way in reducing the harmful effects of the mobile radiation. तो इसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरी में इंटरनेशनल लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी सब कुछ इसकी टेस्टिंग हुई है, सी सर्टिफिकेशन इसके साथ है, जो भी प्रूफ आपको चाहिए वो प्रूफ यहाँ पर मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, दिक्कत तो हमारे साथ ही है कि रेडिएशन से हमको बचना है, सॉल्यूशन भी हमारे पास ऐसा है जो प्रूवन है और जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, इसका अगर यूज करते हैं तो उसका समाधान हम ले सकते हैं। इतना ही नहीं कि बहुत सारी कंपनी है जिन लोगों ने इसको अपनाया, ये बड़े बड़े ब्रांड है जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है, इंडियन ऑयल, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, इन्होंने 5000 चिप लेके अपने स्टाफ के लोगों को दिया था ताकि वो लोग इससे प्रोटेक्शन अपने आप को मोबाइल से प्रोटेक्ट करें। ऐसी एक कंपनी और है, नोवाको करके कंपनी है, जिन्होंने 9000 इन्वायरो चिप अपने लोगों को, सीमेंट फैक्ट्री थी, सीमेंट का काम आता, लोग अपने यहाँ इंप्लॉय के लिए उनके लिए ये चिप इकट्ठा बल्क परचेज करके लोगों को दे रहे हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप हैं आपके सामने है। अगर ये लोग इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं तो हमको विश्वास करना चाहिए। ये सब दिखाने के पीछे एक ही पर्पज है कि एक नई समस्या है और नया प्रोडक्ट है, दोनों चीजें, समस्या भी नई है समाधान भी नया है। तो समस्या तो हमने समझ में आ गई, हो रही है, प्रूव हो गए उसके भी, समाधान के भी हमने आपको प्रूफ दिखाया कि जो समाधान है वो भी प्रूवन है। जब समाधान पे आपको विश्वास हो जाएगा तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहां तक कि अब इस टेक्नोलॉजी को अपना के लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट वाले हैं तो जब वहां पर वो कॉलोनियां काट रहे हैं, जहां पर वो मकान बना रहे हैं बिल्डर लोग, वो यहां पर लिखा हुआ ऊपर लाल घेरे में देखिए आप, रेडिएशन फ्री, जो यहां पर फर्स्ट रेडिएशन फ्री लग्जरी होम्स बन रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। अगर हम बात करते हैं, ये चेयरवुमन है अशोक परिमल ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये कह रहे पिछले 8 वर्षों से न केवल अपने सभी रियल एस्टेट विकास के लिए बल्कि अपने कॉरपोरेट कार्यालय के लिए भी इरवानियंस का उपयोग कर रहे हैं, जहां उन्हें एक सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद मिली है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर यहां पर यूज कर रहे हैं ललित रिजोर्ट, ठीक है। तो यहां पर जब रेडियो स्मोक, इलेक्ट्रो स्मोक फ्री जोन बनाया गया, इसके ऊपर काम किया और इसी टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज किया, तो होटल के अधिकारियों की हृदय गति ये टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले और बाद में दर्ज की, जहां पर कि जो हार्ट रेट है उसमें 15% की कमी आई, यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि हार्ट रेट बड़ा रहता है लोगों का, हृदय गति मैक्सिमम लोगों की बड़ी रहती है, उसमें इसका असर दिखा। उसके अलावा ये कहते हैं कि अब यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ तक कि रेडिएशन के माहौल में जो मशीनरी आपकी काम करती है, अगर आप रेडिएशन फ्री वो जोन बनाते हैं तो वहां भी उसका इंपैक्ट देखा गया। ये प्रैक्टिकल करे हुए हैं। ITC की बात कर लेते हैं, ITC के लग्जरी अपार्टमेंट, इनके पास भी होटल्स रहते हैं, बहुत बड़ी सीरीज है इनकी ITC की। तो भारत भर में ITC लग्जरी संपत्तियां अब यहां पर सब इलेक्ट्रो स्मोक फ्री हो चुके हैं। इन्होंने भी इन्वायरोनिक्स की यही टेक्नोलॉजी को यूज किया जो इन्वायरो ग्लो और इन्वायरो चिप में यूज हो रही है। जब इतने बड़े लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर अब उसके बाद तो विश्वास बनता ही है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 ये रेडिएशन फ्री हो चुका है, यहां भी काम हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी आपको नहीं लगेगी लेकिन भैया इसमें काम चल रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे, अपने आप को प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस के अंदर भी तो हैं, तो बिजनेस के लिए दोनों काम हमें आप होंगे। इसके बेनिफिट क्या मिले? सबसे पहले बेटर इम्यूनिटी, इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप दोनों यूज करते हैं तो सबसे पहले तनाव की कमी होगी। हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है, यानी हेल्थ हमने ठीक करी, हाई बीबी प्रोडक्ट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको यहां पर मिलता है। और आइस ब्रेकर कह सकते हैं, यानी कि किसी के साथ भी बात शुरू करने के लिए बहुत आसानी होती है। अगर हम बिजनेस की बात किसी से शुरू करना चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस अपनी बात रख सकते हैं कि भाई साहब आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, हर परिवार के लोग यूज करते हैं, तो स्टार्ट लेना आपको आसान हो जाएगा। कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे अच्छी बात है कोई कंपटीशन यहां पर नहीं हमारे लिए, क्योंकि जो मोदी केयर लेके आया तो मोदी केयर ही लेके आया है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है,
ले जाने के लिए कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है, आपके एक बैग में बहुत सारा ये चीज आ सकती है। हर कोई ग्राहक है, ये सबसे अच्छी बात है। हम इसके लिए हम सोचते ना, हर चीज का क्या होता है, एक सेगमेंट होता है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का अगर हम बात करें, इनवायरो ग्लोब और इनवायरो चिप का, हर कोई ग्राहक है। जिसके पास नहीं है वो हमारा ग्राहक है, कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आपके पास रखा रहेगा आपको 2 साल 5 साल 10 साल, कोई एक्सपायरी नहीं है। पर हर प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी का आता है मोदी कर के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको मनी बैक गारंटी के साथ ही प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है, अगर आप किसी के घर में इनवायरो चिप या इनवायरो ग्लोब दे रहे हो तो आप एक नेक काम कर रहे हो। ये सबसे अच्छी बात आपको लगेगी, यस मैं किसी का भला कर रहा हूँ। अनजाने में बहुत सारी बीमारियां लोगों के घर में आ रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में किसी के यहाँ बहुत गंभीर बीमारी आ सकती हो। आए दिन हम सुन रहे हैं भाई इसको कैंसर, उसको कैंसर, उसको कैंसर, लेकिन किसी के घर में हमारे कहने से इनवायरो ग्लोब लग गया, इनवायरो चिप उनके मोबाइल पे लग गई, हो सकता है कि हमने उसके घर में आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से हमने उनको बचा दिया। तो एक नोबल कॉज बन जाता है, एक नेक काम ही हो जाता है जब इस पे हम लोग काम करते हैं। अब जब इस पे काम करेंगे तो बिजनेस को अगर फोकस करते हैं, तो बिजनेस में क्या है भाई, प्रोडक्ट का एक MRP है, एक कंसल्टेंट प्राइस है या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कह सकते हैं, उसमें बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट होते हैं और कुछ PVA पॉइंट वैल्यू होती है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं। अब हम अगर बिजनेस के एंगल से इसको सोचते हैं, तो बिजनेस के एंगल से अगर हम इसको सोचते हैं, तो मान लेते हैं एक आदमी 3 लोगों से रोज बात करता है, 3 आदमी से बात करते हो पर डे, 30 दिन में आपने क्या हुआ 90 लोगों से बात करी। एक परिवार, एक फैमिली है और 4 फोन हम मान के चलते हैं, तो उनको 4 इनवायरो चिप चाहिए, यानी 90 लोग थे, इसका मतलब 90 लोगों से बात करी, 90 परिवार हुए, तो 90 लोगों ने अपने अपने फैमिली के लिए 4-4 चिप लिए, तो 360 चिप आपके 1 महीने में चले गए। एक चिप में 399.6 BB है, पॉइंट वैल्यू है, 360 को इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाता है 1,43,640 बिजनेस वॉल्यूम। इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे, अगर इतना काम हो गया, तो आप देखो कितने आपने, यहाँ पर हम देखे हैं 90 फैमिली को आपने प्रोटेक्शन दी, 90 फैमिली को आपने उस सारी दिक्कतों से बचाया, उसके बदले आपको यहाँ से लगभग 30,000 रुपये आपको कमाया भी। कितना बढ़िया काम है, हर आदमी को इसकी जरूरत है, सिर्फ नीड क्रिएट करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है भैया आने वाला समय कितना मुश्किल भरा है, इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और लाइफ टाइम उसका है। एक बार परचेज कर लिया तो ऐसा नहीं कि उसको भाई एक्सपायरी है, एक बार ले लिया जिंदगी भर के लिए, एक फोन बदल लिया दूसरे फोन में लगाओ, 10 फोन बदलो, एक ही को निकाल निकाल के लगाते रहो, तो इन्वेस्टमेंट भी बार बार की नहीं है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इतना सा भी अगर हमने काम किया, 30,000 रुपये की हमारी इनकम होती है। चलिए हम दूसरा टारगेट लेते हैं, हम लोग 3 लोगों से बात करते हैं और मानते हैं 1 आदमी ने परचेज किया। अगर हमने सही नीड क्रिएट करी तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी नहीं लेगा, हम एक एवरेज लेते हैं, 3 लोगों से हमने बात करी, 1 आदमी ने परचेज किया, यानी एक फैमिली 4 लोगों की होती है, यानी 30 फैमिली हो गई, 30 × 4 120 इनवायरो चिप हमारे सेल हो गए। तो 120 चिप अगर सेल होते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम की बात करते हैं तो 40,680 BB होता है, पॉइंट वैल्यू जो होती है। यहां पर भी आपका एक, यहां पर 11% का लेवल होता है, डायरेक्टर लेवल आपका होता है, और यहां पर आपको 8,500 रुपये की आपकी इनकम आ जाती है। ये तो चलता फिरता आदमी कोई भी अगर कहीं पर भी काम कर रहा होगा ना, तो बात करते करते 8 से 10 हज़ार रुपये तो ऐसे ही कमा सकता है, सिर्फ केवल बात करने से, बताने से। इतने डेटा आपके पास हैं, ये सब आप व्हाट्सएप पे अपने पास रखिए, मोबाइल पर रखिए, डेटा क्या है लोगों से शेयर करिए, अपने पास रखते हैं, आप में जेब में रख के दिन का टारगेट बनाइए, दिन का एक तो ऐसे ही निकल जाएगा। और अगर हम लोगों से बात करते हैं तो ये होता है। मैं अगर 2 दिन पहले की बात करूं, मैं रुद्रपुर में गया था जहां पर मैंने बातचीत करी, और वहां पर मैंने इसके नुकसान के बारे में बताया। बताने के बाद मैंने कहा देखो जो वाईफाई राउटर, हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो उसका राउटर सबसे सेंसिटिव जोन है जहां से रेडिएशन क्रिएट होता है, और एक बच्चों का कमरा जब बच्चे जहां पढ़ाई करते हैं, 2 एरिया ऐसे हैं बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसको हमने सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने सीधे 2 इनवायरो ग्लोब ले लिए। यानी अगर हम लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देते हैं, तथ्यों के साथ देते हैं, लोग इसको अपनाते हैं, लोग तो तलाश में कोई ऐसी चीज मिल जाए। तो अगर एक आदमी को डायरेक्टर लेवल मेंटेन करना है अपना बिजनेस में, तो उसके लिए क्या करना है, उसने डायरेक्टर लेवल मेंटेन करने के लिए 1200 PV की जरूरत होती है।
तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे लगभग 81 इन्वायरो चीफ यानी 20 परिवार, 20 फैमिली में भी हमारी चार चार चीफ चल गई, उनको प्रोडक्ट कर दिया मोबाइल को 20, तो हमारा डायरेक्टर लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टीम वर्क की बात करते हैं हम लोग, वो रहता है हमारा डायमंड लेवल, यानी कि अगर हम लोग टीम वर्क करते हैं अपने साथ लोगों को भी इसमें लेके आते हैं, उनको अचीवर बनाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपके साथ 6 लोग आगे जो इस बिजनेस में आगे आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा? जिस दिन ये 6 लोग यहां से 15,000 रुपए कमा रहे होंगे, आपको आ रहा होगा 1.5 लाख रुपया। यानी अगर 6 लोगों की मदद कर दी सिर्फ 15,000 रुपए कमाने में, आपको मिल रहा होगा 1.5 लाख रुपया। बिजनेस प्लान पे हम लोग बहुत ज्यादा जोर नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि सिर्फ ये बता रहा हूं कि आज जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है उस प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना चाहिए, वो जन सेवा के लिए भी करना चाहिए। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन मैं करता हूँ, मेरे पास साझा करने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबके पास है, मैं इस ज्ञान को साझा करने और अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समुदाय और अपने देश में सभी के साथ रेडिएशन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का वादा करता हूँ। ये वादा आप भी करेंगे। मैं लोगों को अनोखे और नए उत्पादों एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के बारे में जागरूकता करने करके उनके जीवन में बदलाव लाऊंगा, ये आपने भी सोचना है, और उनकी और उनके प्रियजनों की रक्षा करेंगे हम। इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा नोवल काम आप कर रहे हैं, और ये करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर कर जाएंगे। तो ये था एक प्रेजेंटेशन हमारा एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोगों ने भी इसको देखा और समझा, एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आपको भी इसकी जरूरत है। फिर आपके घर में नहीं लगा है तो आपको इसकी जरूरत है। दूसरा, हर उस आदमी को इसकी जरूरत है जिसके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज होते हैं, और सबके हो रहे हैं, यानी हमारे सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को, सारे रिश्तेदारों को इसकी जरूरत है, बस उन तक पहुंचने की बात है। अगर इतने सारे डेटा के साथ अगर उन तक जाते हैं, पहुंचते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको अपनाएगा नहीं। तो आज का ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं फिर बुलाना चाहूंगा हमारी होस्ट हेमलता मैम को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतने अच्छे वंडरफुल सेशन के लिए। ग्रेट सर, देखा दोस्तों, सर ने सिर्फ हमें समस्याएं ही नहीं बताई, रेडिएशन से होने वाले दुष्प्रभाव ही नहीं बताए, उनसे बचाव का तरीका भी बताया। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस सेशन से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करेंगे हम सभी, अपने घरों में अपनी डिवाइसेस को लाएंगे ताकि हम सेफ रहें, तभी हम दूसरों को कर पाएंगे, ठीक है? दूसरों से भी हम तभी कह पाएंगे जब हम कुछ यूज करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे सेशन के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं अपने कमांडो ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों ये तो था कमांडो का एक टॉपिक लिया था सर ने रेडिएशन के ऊपर, लेकिन कमांडो बनने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोदी केयर में कोर। कोर क्या होता है? कोर एक ऐसी चीज होती है जिसके जिसमें कुछ रूल होते हैं और उनको पूरा फुल कमिटमेंट से करना ही करना है। तो क्या है वो मोदी केयर कोर और हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हमें देने के लिए यहाँ आ रही है, मैं उनको इन्वाइट करती हूँ आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हल्द्वानी से ममता राजपूत मैम को, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार अचीवर हैं और फॉरेन टूर अचीवर भी हैं। मैम आपका वेलकम है आज लीव के प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, और नवीन सर का भी थैंक यू और सुरेखा मैम का थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे आज जगह देने के लिए और कोर के इथिक्स को शेयर करने के लिए। नाम ममता राजपूत है, हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ जैसा कि मैम ने बताया, और SED के लेवल पे हूँ। अगर अपनी बात करें, जैसे अभी आप सर ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया एक हमें एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के ऊपर, तो दोस्तों हम सभी की रिक्वायरमेंट है कि हम आज अपनी फैमिली को प्रोडक्ट करें, और क्योंकि इतने शानदार बिजनेस में है और बिजनेस के इतने अच्छे इथिक्स, इतने अच्छे रूल्स, इतने अच्छे नॉर्म्स हमारे साथ में है, तो हम कोर बन के अपने बिजनेस को भी सेव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी सेव कर सकते हैं और अपने सपनों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अगर अपनी बात करूं, अपने सपनों की बात करूं, तो यहाँ आने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसके शायद सपने तो बड़े थे लेकिन उसमें रंग भरने का रास्ता उसे कोई नहीं मिल रहा था, तो जिंदगी में जब मोदी केयर आया तो
तो मोदी कह रहे एक ऐसा सपना लेके आया कि वो सारे सपने पूरे होते चले गए। अगर वो फॉरेन ट्रिप की बात करें तो फॉरेन ट्रिप्स भी यहीं से मिले। अगर हम गाड़ी की बात करें तो अभी मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे उसको गाड़ी गिफ्ट की है। और अगर एक इनकम की बात करते हैं, अगर एक हाउसवाइफ के लिए इनकम वाकई बहुत पोजीशन रखती है कि एक हाउसवाइफ अपने दम पे कुछ कमा सके, तो दोस्तों बात करूंगी इनकम की तो 82,000 रुपए की हाईएस्ट इनकम मैंने यहीं से टच करी। तो हमेशा थैंक यू करती हूँ इतने शानदार सिस्टम को देने के लिए। हमेशा मैं थैंक यू करती हूँ सर का और दीपा गांडवाल मैम का कि वो मेरी जिंदगी में इतना अच्छा सिस्टम लेके आई है। और दोस्तों जब हम सिस्टम की बात करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कोर की, मुझे मौका मिला है आपके बीच में कोर को रखने का, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कोर क्या है। कोर है एक्चुअली हमारा सिस्टम का सार, अगर हम कहना चाहें सिस्टम, जो सिस्टम है हमें सिस्टम देता है, सिस्टम के साथ समर्पित होना, सिस्टम के साथ प्लग इन होना, वो एक कोर की पहचान है। एक कोर बनकर आप अपने जीवन में उत्साह बढ़ सकते हो, अपने जीवन की तरक्की कर सकते हो। और हमारे तो मोदी केयर अपने एथिक्स के लिए जाना जाता है, अपने कोर के लिए जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि हमें कोर बन के क्या करना है, किस तरह से हमें सिस्टम के प्रति जवाबदेही रखनी है, किसी तरह हम अपने सिस्टम के प्रति रॉयल रह सकते हैं। तो उन सारे कोर्स को हम शेयर करने के लिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर करना चाहूंगी। तो शेयर करते हैं आपके बीच में अपनी स्क्रीन को। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पे है मोदी केयर कोर, यानी कि मोदी केयर कोर के ये 2-10 जो रूल हैं वो हमको फॉलो करने हैं। और वो रूल क्या है, एक सिंपल सा रूल है, जब हम सिस्टम में आ गए हैं तो हम सिस्टम के प्रति लॉयल हैं। लॉयल्टी आपको अपनी रखनी है, यानी कि मोदी केयर में हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स मोदी केयर में आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको अपने डेली नीड के सारे प्रोडक्ट मोदी केयर से लाने हैं। क्योंकि दोस्तों हम दूसरों को क्वालिटी बताते हैं, हमें खुद को पता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। तो जितने भी मोदी केयर प्रोडक्ट्स आपके पास लेके आ रहा है वो आप अपने प्रतिदिन की चर्या में इस्तेमाल कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और कम से कम 60 PV जरूर कीजिए, 100% के यूजर बनिए विद 60 PV। 60 PV करके बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। और मैं तो कहूंगी कि 60 PV क्यों, आज मोदी केयर हमारे बीच में जितने प्रोडक्ट्स लाया है तो 120 PV भी कम पड़ जा रहे हैं। हम सारे प्रोडक्ट्स अगर मोदी केयर के यूज करते हैं तो आराम से 100 PV का क्लब मेहमान लोग आ जाते हैं। तो मोदी केयर हमारे लिए प्रोडक्ट्स की लाइन लगाए हुए है और हमें भी उसके लिए पूरी उम्मीदों पे खरा उतरना है। तो 60 PV करके आप अपने रीपर्चेज के जो ऑफर मोदी केयर आपके लिए लाता है हर महीने शानदार ऑफर, उनको लीजिए। उसके साथ साथ 60 PV करने का फायदा एक और है दोस्तों, वो है जो समीर मोदी जी ने हमारे लिए समीर मोदी सुपर बोनस लाए हैं, उसके भी आप हकदार हो जाते हो। तो हमारी मैम हमेशा कहती हैं कि मुनाफे में घाटा कभी नहीं खाना है। तो वाकई मुनाफे में घाटा क्यों खाना है जब 60 PV करके आपके बीच में है समीर मोदी सुपर बोनस, तो आपको उसको भी यूज करना है। इसके बाद जब हम दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं तो वो है हमारा कि आपको कम से कम अपने 10 रिटेल कस्टमर बना रहे हैं। कुछ लोगों के जहन में एक बात आती है कि ये क्या सामान बेचने का सिस्टम है, क्या ये सामान बेचने का बिजनेस है, हमें क्या लोगों के पास जाके सामान बेचने पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं और जो सिस्टम आपको मिला है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे? उनको भी तो हक है कि वो इस सिस्टम को लें, शायद उनकी नॉलेज में नहीं है, उनके पास तक कोई ऐसा नहीं पहुंचा जो उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सके। तो आप रिटेल करिए उन लोगों को जो आपके नियर बाय हैं, कम से कम अपने आसपास के 10 लोग ढूंढिए और 10 लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट्स यूज कराते हो तो उसकी तरफ से रीऑर्डर स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बोलती है। हम क्या कहते हैं, मोदी केयर का प्रोडक्ट एक बार देना पड़ता है, बाकी काम खुद प्रोडक्ट कर देता है। तो वो चीज बिल्कुल सही है, आपको प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाने हैं। और आप यकीन जानिए जब आप ये अपने रिटेल कस्टमर्स ढूंढते हैं कब वो आपके कंसल्टेंट बनके आपके लीडर बन जाते हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता, और ये सिलसिला चलता रहता है और आपकी तरक्की होती रहती है। और हम बात करेंगे अपने तीसरे स्टेप की, जो हमारे मोदी केयर कोर का तीसरा स्टेप है, तो वो है कि आप अपने बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है, जो शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है, कम से कम 15 लोगों की पर्सनल प्रोस्पेक्ट करिए हर महीने। और 15 तो ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितने लोग मिलेंगे आप उनको बताओगे, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम किसी से शेयर के बिना रह ही नहीं पाते हैं। जब आप उनको शेयर करते हैं उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, तो आपकी जिंदगी में अपने आप वैल्यू ऐड होती चली जाती है। और क्योंकि हम कहते ही हैं
कि हमारा बिजनेस बड़ा पुनीत कार्य है, दूसरों की जिंदगी में वैल्यू एड करता चला जाता है। अगर हम बात करते हैं अपने चौथे रूल की, तो चौथा रूल हमें क्या कहता है, हमें कोर बनना है तो हमें बहुत कुछ सीखना भी है। अगर हम अपने बिजनेस में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो अपने आप को ट्रेन करिए। ट्रेन करने के लिए हमारी कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, आप अपने आप को उसमें प्लग इन कर सकते हो। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं आपके एरिया में, जो ट्रेनिंग्स होती हैं आपके अपलाइन की, जो ट्रेनिंग होती है कंपनी की तरफ से, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सुरेखा मैम का लीप प्लेटफॉर्म हमें रोज 6:30 बजे मिलता है। इसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, हमारी RTPs होती हैं, इन सब में आप अपने आप को प्लग इन करिए, इन सब में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये सिस्टम बहुत शानदार सिस्टम है। यहाँ इस रास्ते पर चलकर कोई करोड़ की इनकम ले रहा है। तो दोस्तों एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे हमें चलना है, तो उस रास्ते का पता भी हमें मालूम करना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग, ये सेमिनार्स आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस ट्रेनिंग और सेमिनार्स की बात करते हैं तो एक सुरेखा मैम का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है 4-2-1, जिसको हम खुद भी पालन करते हैं, हमारे सर हमेशा उसके लिए डेडिकेट रहते हैं। तो हम कहेंगे आपसे कि 4 परिवर्तन करिए, 4 वीकली मीटिंग करिए, उसके अलावा 2 ट्रेनिंग मीटिंग करिए, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, शानदार प्रोडक्ट के साथ हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स लोगों तक जाएंगे, उसकी USP जब हम उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उन लोगों को बता पाएंगे कि जो व्यक्ति आज एक मार्केट के प्रोडक्ट लाके आज सेटिस्फाई है, उससे भी बेटर, उससे भी कम रेट में एक प्रोडक्ट और है जो मोदी केयर आपको दे रहा है। तो आप जब किसी ट्रेनिंग में प्लग इन होकर उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सिस्टम के बारे में पूरी ट्रेनिंग लेंगे, पूरी तरह आप ट्रेन हो जाएंगे, तभी आप लोगों के जहन तक वो सिस्टम पहुंचा पाएंगे, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहुंचा पाएंगे। और उसके बाद आता है, जब आपने सब कुछ किया, आपने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया, आपने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आपने कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करा, तो दोस्तों सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। उस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए, उस आपकी अचीवमेंट को लेने के लिए, जो आपकी मेहनत है पूरे महीने की उसको दर्शाने के लिए, और उससे आपने क्या लिया है, तो एक सक्सेस सेलिब्रेशन बनता है। तो जो 4-2-1 है, वो जो 1 वाला फॉर्मूला है, वो है एक सक्सेस सेलिब्रेशन, जो हम मंथली करते हैं, जहां पर आपकी अचीवमेंट के लिए आपको पारितोषिक दिया जाता है। क्योंकि हमने मोदी केयर से पहले कहीं ना कहीं से तो सम्मान लिया ही था, किसी ना किसी सिस्टम से हर व्यक्ति आज भी सम्मान लेके आ रहा है। तो क्या कभी उसको सम्मानित करा गया, कभी उसको फूल माला पहनाई गई, उसके लिए उसको ट्रॉफी मिली, उसको सर्टिफिकेट मिले, कभी उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ये सिस्टम इतना शानदार है कि आप यहाँ आए, आपने अपनी जिंदगी बदली, आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां और बदल गई, और उस काम के लिए आपको पारितोषिक मिल रहा है, उस काम के लिए आप सम्मानित करे जा रहे हो, क्योंकि वाकई में आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो वो सक्सेस सेलिब्रेशन भी आपको यहाँ पर वो सम्मान देता है। अब जो हमारा 5वां कोर आता है, वो आता है कि कम से कम आप 1 हफ्ते की 1 मीटिंग जरूर कंडक्ट करिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, प्रगति में ही गति होती है, आपको बढ़ते रहना है, प्रगतिशील होना है, तभी आपकी तरक्की होती है, उस तरक्की को आपको चाहिए। तो आप हर हफ्ते, सप्ताह में 1 मीटिंग अपनी पर्सनल जरूर कंडक्ट कीजिए, ताकि आपकी जो प्रगति है वो गतिमान रहे। अब हम बात करते हैं 6ठे रूल की। तो जितना भी हमें नॉलेज है, तो हमारे चारों तरफ ज्ञान बिखरा पड़ा है, लेकिन हम उसको समेटेंगे कब? बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें, बहुत सारे बुक्स उनकी आती हैं, बहुत सारी सिस्टम से जुड़ी हुई बुक्स हैं। तो हम अपने ज्ञान को वृद्धि करेंगे, तभी हम दूसरों को भी कुछ बता पाएंगे। हमारे पास, हम कहते हैं ना, लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ जाते हैं, लोगों से बोलते हैं, जितने शब्द कोश में आपके शब्द होंगे, आप अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति के साथ डील कर पाओगे। और उसके लिए आपको अपना शब्द कोश बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, बुक्स का सहारा लीजिए। और आज तो YouTube चैनल है, तो YouTube चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं, आपको नॉलेज वाली वीडियो भी मिलती हैं, प्रोडक्ट की डिटेल से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाती हैं, और सबसे शानदार है हमारा SPBM सिस्टम, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जो आपको जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उनकी तुरंत जानकारी आपको वहाँ मिलती है, सक्सेस ट्रेनिंग्स आपको मिलते हैं, सक्सेस स्टोरीज आपके वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके यहाँ पर काम कर सकते हैं, उसको जरूर करिए, उसको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं तब आपकी टीम की ग्रोथ भी होती है, और आपकी टीम की ग्रोथ होती है तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है। अल्टीमेटली हम आए यहाँ बिजनेस बढ़ाने के लिए हैं, अपनी ग्रोथ करने के लिए हैं, पैसा कमाने के लिए हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को प्रगतिशील रखना है, अपने आप को डेवलप करते रहना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, और वो ग्रोथ आएगी आपको अपने आप को पॉलिश करके। 7वें रूल के बारे में बात करते हैं। हमने सारी चीजें करी, बहुत अच्छी चीजें कर ली, लेकिन हम कई बार निगेटिव बोल गए, तो कहते हैं ना, कराए कराए पे पानी फेर देना, तो वही चीज हमारे साथ हो जाती है। क्योंकि सुरेखा मैम खुद भी कहती हैं, जब आप कभी कोई निगेटिव बात बोलते हो तो सबसे पहले आपके कान सुनते हैं, और ये हकीकत भी है दोस्तों। हमारे मन में कोई भी निगेटिव थॉट आता है तो हम थोड़े से
डिप्रेस होते चले जाते हैं, थोड़ा सा जो हमारा उत्साह होता है वो कम होता चला जाता है। कभी भी कोई निगेटिव बात खुद से नहीं करनी है, पॉजिटिव एनवायरमेंट का चमत्कार हमने देखे हैं। अभी हमारी जो होस्ट है वो खुद कह रही थी कि एक उन्होंने उनकी जो गाड़ी है वो अफर्मेटिव के तौर पर आई है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के तौर पर उनकी गाड़ी आ रही है। बोलते चले जाते हैं हम अपनी चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बोलते चले जाते हैं तो वो चीज़ें हमारी जिंदगी में घटती चली जाती हैं, क्योंकि हम अपना एनवायरमेंट अपना पॉजिटिव रखेंगे तो हमारी टीम पॉजिटिव रहेगी, हमारा सिस्टम पॉजिटिव रहेगा। कभी भी अपने डाउन लाइन के साथ कोई निगेटिव बात नहीं करनी है, अपने क्रॉस लाइन के साथ कोई निगेटिव बात नहीं करनी है, अपने अपलाइन के साथ भी कोई निगेटिव बात नहीं करनी है। आपका अगर कोई परेशानी है, कोई सिस्टम है, तो आप एक बार बैठ के अपने अपलाइन के साथ जरूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव टॉक हमें नहीं करनी है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। इसके बाद हम आठवें रूल की तरफ जब चलते हैं तो वो है कि अकाउंटेबल रहिए। अब दोस्तों अकाउंटेबल का मीनिंग बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सार है अकाउंटेबल का। रेस्पॉन्सिबल बनिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई लॉस भी नहीं है क्योंकि आपने कोई पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया है। आप खुद के खुद बॉस हो, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत सारे परिवारों के प्रति जिम्मेदार हो, क्योंकि जितने भी लोग आपकी टीम में आपके साथ हैं उनके प्रति भी तो आपकी जवाबदेही है। उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनिए, उनके प्रति अकाउंटेबल बनिए, अपने सपनों के प्रति अकाउंटेबल बनिए। आप जिस विजन को लेके आए हैं, आप जो सपना बड़ा लेके आए हैं उसके प्रति अकाउंटेबल बनिए। वो सपना आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लेके चलते हैं तो आप कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, अकाउंटेबल बनिए। और हम बात करते हैं अपने नवे रूल की, जो हमारा 9th रूल है। वो हमें क्या कहता है कि आप कंपनी के जितने भी इथिक्स और गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। हमेशा अच्छा रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे तो पूरी टीम आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपका आसपास का दायरा आपका रेस्पेक्ट करेगा। दोस्तों लोगों के साथ चलने वाला बिजनेस है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है, लोगों के साथ कनेक्शंस होते हैं हमारे। हम बहुत बार अनजान लोगों पर, क्योंकि हम खुद भी कहते हैं कि हमारा बिजनेस जितने अपने लोग देखे जाते हैं उससे कई गुना हमारे बीच के स्ट्रेंजर्स होते हैं हमारे सिस्टम में, जो हमें ये बिजनेस दे जाते हैं। और उन स्ट्रेंजर्स के साथ हम अपना सिस्टम बनाते हैं, हमारे जो अपने इथिक्स होते हैं, हमारे जो अपने रूल्स होते हैं वो हमें उनके बीच में खड़ा होना सिखाते हैं, हमारा जो मॉरल वैल्यूज है। और हम अपनी कंपनी की बात करें तो हमारी कंपनी खुद अपने इथिक्स और नॉर्म्स के लिए जानी जाती है। अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है जिसमें हमें कभी कोई डरने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने सारी इथिक्स ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर रहे थे। जब कंपनी इतने सारे और इतने अच्छे इथिक्स रूल फॉलो करती है तो हम जब कंपनी के सिपाही हैं तो हमारा तो फर्ज बनता ही है कि हम अपनी कंपनी की गाइडलाइन सारी की सारी फॉलो करके चलें और अपना मस्तक ऊंचा करके चलें। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सारे 9 के 9 रूल फॉलो करे, सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करी, अपने आप को एक बहुत शानदार कोर बनाया। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस, और डुप्लीकेशन आपको हमेशा तरक्की दिलाता है, हमेशा आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो यहाँ भी डुप्लीकेशन करना नहीं भूलना है। तो जो 10वां रूल आपको कहता है, वो 10वां रूल कहता है कि आपको आप अपने जैसा एक डुप्लीकेट मिनिमम जरूर तैयार करिए, महीने में एक अपने जैसा कोर आपको तैयार करना है, और वो कोर आपको आपके सिस्टम तक ले जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे, अगर हम बात करते हैं हमारे जो रूल्स थे, जो कोर्स थे हमारे, जिसके बारे में हमने डिस्कस करी, और इन्हीं कोर्स पे चल के हमने अपने बिजनेस को डेवलप किया है। मैं अपनी बात करती हूँ तो बहुत कुछ जिंदगी में मिला, जिसके लिए हमेशा थैंक यू करती हूँ सर को, नवीन सर को हमेशा थैंक यू कहती हूँ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स वो हमेशा हमें देते हैं, इतनी अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हमारी खुद की टीम बहुत अच्छे एथिक्स और रूल्स फॉलो करती है, जो हमें हमेशा सर से सीखने के लिए मिलते हैं। तो उस सिस्टम को देने के लिए हमेशा सर को थैंक यू कहती हूँ, और समीर मोदी सर और सुरेखा मैम का हमेशा थैंक यू इतने अच्छी परिवार देने के लिए, इतना अच्छा लीव प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। वाओ मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। अच्छे से आपने इतने सिंपल तरीके से कोर रूल्स हम सभी को बताए। हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन होता है, तो आज आपने बहुत अच्छे से हम सभी को रिवाइज करा दिया। देखा दोस्तों क्या होते हैं कोर रूल्स, तो आज से हम सभी फॉलो करेंगे, जब कोर बनेंगे तो कमांडो ऑटोमेटिकली हम लोग बन जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, हम सभी अपने सभी गुरुजनों का। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से यहाँ पर कुछ और जानकारी है वो शेयर की है, उस जानकारी को देने के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, इनवाइट करती हूँ हमारे ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर नवीन खरपाल सर को,
सर वेलकम ऑन स्टेज वंस अगेन एंड ओवर टू यू। थैंक यू एमएम। और ममता मैडम ने शानदार कोर हमें बताया कि 10 कोर क्या होना चाहिए, एक कोर को क्या करना चाहिए। चलिए आज का कमांडो डे 4 समापन की ओर है, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग पार्ट समाप्त हो चुका है। ये बिजनेस सीखने सिखाने का है, हम सीखते हैं और आगे सिखाते हैं और सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल बृहस्पतिवार है, हर बृहस्पतिवार को गेस्ट मीटिंग होती है 6:30 बजे। तो कल की गेस्ट मीटिंग लेने के आ रहे हैं एक जबरदस्त लीडर अरविंद पुंडीर जी, जो ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं। कल 6:30 बजे मीटिंग अटेंड करना ना भूलिए, अपनी पूरी टीम के साथ आइए। और आज का जो ये सेशन था, इस सेशन को अब यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। जितने लोगों ने भी आज इन्वायरो ग्लोब इन्वायरो चिप के बारे में जो भी नॉलेज अगर आपको मिली है, उसको इम्प्लीमेंट करिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, कोर को समझिए, कोर बनिए, बिजनेस में आगे बढ़िए। तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स करता हूँ सुरेखा मैम को लास्ट में जाते जाते इस लीड प्लेटफॉर्म को देने के लिए, और समीर मोदी सर को एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जिनके माध्यम से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।